नमस्कार, खबर समीक्षागत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। घोराबाजा क्षेत्र स्थित आर्मी के नाका पॉइंट के पास शनिवार दोपहर करीब 2 बजे उस वक्त हड़कंप मच गया जब हिंदू धर्म सेना के कार्यकर्ताओं ने इको कार क्रमांक MP20CK0466 को रोका और उसके अंदर बैठे 4 युवकों के साथ एक लड़की को पुलिस के हवाले किया। हिंदू धर्म सेना के अध्यक्ष योगेश अग्रवाल का आरोप था कि 4 युवक किराए की कार में लड़की का अपहरण कर भाग रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ घोराबाजा पुलिस ने मौके से कार को जब्त किया और चालक सहित 4 युवक को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करनी शुरू कर दी है। इसके साथ ही घोराबाजा पुलिस ने लड़की के परिजनों को भी पुलिस थाने बुलाया है। घोराबाजा पुलिस का कहना है कि मामले की जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अभिरक्षा में आए अब्दुल नाजिर आकाश बैन फराज मोहम्मद आसिफ ने पुलिस को बताया कि वह 18 वर्षीय लड़की का जन्मदिन मनाने किराए की कार में घोराबाजार जा रहे थे। वहीं युवती ने पुलिस को बताया कि फराज उसका दोस्त है। बहरहाल पुलिस हर एंगल पर जांच कर रही है। मिली थी कि 3-4 मुस्लिम युवक जो कि उम्र उनकी लगभग 30 से 35 वर्ष होगी, एक 18 वर्षीय हिंदू लड़की को बहला फुसला कर और एक किराए की टैक्सी में और उसको मंडला रोड में कहीं ले जा रहे थे जबरन। उस उक्त सूचना के आधार पर हम लोग ने यहाँ गोरा बाजार में उक्त गाड़ी को पकड़ा और यहाँ पुलिस के हैंडओवर किया है। पुलिस की जाँच कर रही है और ये गंभीर मामला है और हम लोग ने इसकी मांग करी, इसकी जाँच करके और सख्त से सख्त कार्रवाई इनके ऊपर की जाए, नहीं तो हिंदू धर्म सेना के द्वारा उग्र आंदोलन और उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। कम से कम 4 से 5 मुस्लिम युवक हैं इसमें और जो लगभग जिनकी आयु 30 से 35 वर्ष है और बच्ची जो 18 वर्ष की है और ऐसा प्रतीत होता है कि वो डरा धमका के जबरन वो बच्ची को कहीं ले जा के कुछ अपहरण का मामला समझ में आ रहा है कि अपहरण करके कहीं ले जा रहे थे। ये लव जिहाद का विषय भी हो सकता है, लव जिहाद का विषय भी हो सकता है और अपहरण का मामला भी लग रहा है मुझे, क्योंकि ज़बरदस्ती ले जा रहे थे। लड़की डरी हुई है, काफ़ी घबराई हुई है लड़की के घर वाले अभी आ रहे हैं। हमने लड़की के घर वालों को भी सूचना दी है, उस हिंदू युवती के घर वाले भी आ रहे हैं और आके जो है पुलिस भी अपनी पूछताछ कर रही है और सख्त कार्रवाई पुलिस करेगी, ऐसा आश्वासन हमको माननीय थाना प्रभारी जी ने दिया है। नहीं, तलाकशुदा नहीं है, शादी हुई थी लेकिन अदबी से कुछ डिस्प्यूट चल रहा था। वो ज़्यादा उम्र भी नहीं है, उस बच्ची की उम्र ज़्यादा से ज़्यादा 18-19 साल की उम्र है। उस आदमी से डिस्प्यूट रह रहे तो माँ बाप के पास रह रही थी बच्ची वो। नहीं, गलत है, ये देह व्यापार से जुड़ा हुआ नहीं है मामला, क्योंकि हिंदू बच्ची है और ज़्यादा उम्र भी नहीं है और ये क्योंकि डरा धमका के ज़बरदस्ती ले जाने का मामला लग रहा है। ये नहीं, बच्ची तो 18-19 साल की कोई उम्र नहीं होती है, मेरे हिसाब से तो 18-19 साल कोई अभी हाल में ही शादी हुई थी। और 2:30 बजे के आसपास में थाने के स्टाफ से सूचना मिली कि थाने के आगे जो है नाका पड़ता है, बैरियर पड़ता है पुराना वाला आर्मी वाला, वहाँ पर जो है ट्रैफिक वालों की चेकिंग चल रही है और एक वाहन को रोके हैं, वैन है जिसमें जो है 3-4 लड़के हैं और एक लड़की है। सूचना पर तुरंत मेरे द्वारा स्टाफ को भेजा गया, महिला स्टाफ के साथ में, और उनको थाने में लेकर आए हैं तो जो है उनसे पूछताछ करके तस्दीक की गई जिसमें से 4 लड़के हैं, एक ड्राइवर है, ड्राइवर जो है वो अब्दुल माजिद है। इसका कहना है कि ये 3 लड़के जो हैं हायर करके और पिकनिक वगैरह मनाना है, उसका जन्मदिन मनाना है करके जो है जा रहे थे। तो 3 लड़के जो है ये मोहम्मद आशिफ है, एक है आकाश बैन है और एक है फयाज, और ये 3 लड़के जो है साथ में उस लड़की के साथ में जा रहे थे। ये शिवानी कुशवाहा नाम की लड़की है, कपड़े की दुकान में काम करती है, पनागर की रहने वाली है और किराए से वर्तमान में जो है मेडिकल में रहती है कहीं। तो यह जन्मदिन था और जन्मदिन में जो है उनके साथ में जन्मदिन मनाने इधर गौर तरफ कहीं जा रही थी, ऐसा उसका बयान है। परिजनों को सूचना दी गई है और वो आ रहे हैं, पूछताछ कर और तस्दीक की जाएगी। वरिष्ठ अधिकारियों को भी अवगत कराया गया है और जो भी निर्देश होंगे उसके हिसाब से काम। वो फयाज नाम का लड़का जो है वो बता रही है कि उसका बॉयफ्रेंड है, ऐसा करके वो बता रही है और फेसबुक के माध्यम से दोस्ती हुई थी विगत 7-8 महीने से, ऐसा उसका कहना है। जी, हिंदू धर्म सेना के कुछ लोग भी यहाँ पर? हाँ, हिंदू धर्म सेना के कुछ लोग हैं, उनका भी ये कहना है कि ये जो है लड़की उसके साथ में जा रही थी, उनको उस शंका हुई और उस पर जो है उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। जबलपुर से खबर समय चौकत के लिए ब्यूरो चीफ पंकज जैन की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।